स्वागत है दोस्तों हमारे नॉलेज सोसाइटी चैनल पर, और हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जिसे आप आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दुनिया में विचित्र प्राणी होते हैं? सबसे अधिक डरावने और विचित्र प्राणियों का धरती पर अस्तित्व को लेकर बातें हमेशा होती रही है। भय पैदा करने वाले इन प्राणियों पर कई फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी गई है, लेकिन हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि क्या ऐसे डरावने जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर कभी रहा है या यह महज एक कल्पना है। तो आइए दोस्तों जानें ऐसे ही कुछ विचित्र प्राणियों से जुड़ी बातें के बारे में। लिजर्ड मैन। दुनिया के सबसे डरावने विचित्र प्राणियों में अमेरिका का लिजर्ड मैन भी है। साउथ कैरोलिना की ली काउंटी के स्वाम्पलैंड क्षेत्र में इसे 29 जून 1988 को देखा गया था। हरी त्वचा वाले इस विचित्र प्राणी की लंबाई करीबन 7 फीट 2 इंच लंबी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लिजर्ड मैन के हर पैर में 3 अंगूठे और हर हाथ में 3 उंगलियां थी। वह दीवारों और सीलिंग पर चढ़ जाता था। एक प्रमाण यह भी है कि उसने एक कार को भी नुकसान पहुंचाया था। वह इतना ताकतवर था कि उसने कार तक की तोड़ दिया था। जर्सी डेविल। इस डरावने प्राणी के बारे में 1800 से लेकर 20वीं सदी तक तरह तरह की बातें की जाती रही। इसे न्यू जर्सी के दक्षिणी क्षेत्र में देवदार वृक्ष के जंगल में देखे जाने की बात सामने आई थी। जर्सी डेविल के बारे में कहा जाता था कि उसके दो पैर चमगादड़ की तरह, पंख और घोड़े की तरह मुंह था। इस विचित्र प्राणी को लेकर यह प्रचलित था कि एक चुड़ैल जब अपने 13वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उस समय उसने शैतान को जगा दिया था। इस कारण जन्म लेते ही इस बच्चे का विचित्र ढंग से रूप बदल गया। जर्सी डेविल ने जानवरों को मारा था और उसके विचित्र तरह के पदचिन्ह मिलते थे। वह अजीब तरह की आवाज़ें निकालता था। न्यू जर्सी और उसके आसपास के इलाकों में इस प्राणी के देखे जाने का दावा बहुत से लोगों ने किया था। डोवर डेमन। यह विचित्र और डरावने प्राणी अमेरिका में दिखाई दिया था। मैसाचुसेट्स के डोवर टाउन में ये 1977 में 21 और 22 अप्रैल को दिखाई दिया था। इसके विचित्र रूप के कारण इसके एलियन या किसी प्रयोग का कोई हिस्सा होने के अनुमान लगाए जाते रहे। वो हाइब्रिड एलियन भी हो सकता था। कुछ लोगों का कहना है यह किसी दूसरे लोक से आया था। डोवर डेमन का सिर बड़ा था और आंखें ऑरेंज कलर की और हाथ पर पतले दिखाई देते थे। बताया जाता है कि यह बिना बालों का था। इसमें फेशियल फीचर्स बहुत कम थे। यह विचित्र प्राणी लगभग 3 फीट लंबा था। डोवर डेमन सांप की तरह फुफकारता और बाज की तरह चीखता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी दूसरे ग्रह से आया होगा या जैविक कारणों में धरती के ही किसी जीव का आकार बदल गया होगा। पॉपलिक मॉन्स्टर। इस विचित्र प्राणी का आकार इंसान जैसा, लेकिन कुछ फीचर्स बकरी भेड़ जैसे थे। उसके पैर शक्तिशाली थे, लेकिन वह बकरियों के फर से ढका हुआ था। उसकी विचित्र नाक और चौड़ी आंखें थी। उसके माथे पर भेड़ जैसी सींग उगे हुए थे। अरब देशों में इस प्राणी को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह हिप्नोसिस का उपयोग करता था। यह अपने शिकार को विचित्र ढंग से गाते हुए या मिमिक्री पर आकर्षित करता और फिर उन्हें मार देता था। यह भी कहा जाता था कि वह लोगों को चलती ट्रेन के सामने फेंक देता था। वह अपने शिकार को कुल्हाड़ी से भी मारता था। गोटमैन। बकरी और इंसान के फीचर्स लिए यह विचित्र जीव पहली बार अमेरिका में देखा गया था। इसके बारे में पहली रिपोर्ट 1957 में आई थी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उसने बालों और सींग वाला एक दैत्य जैसा दिखने वाला प्राणी देखा था। इसे फॉरेस्ट विले और ऊपर मॉर्बल में के फ्रिंच जॉर्ज काउंटी में देखा गया था। यह 1962 तक छिपा रहा,
लेकिन एक दर्जन बच्चों और दो वयस्क लोगों की हत्या कर दी। यह लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला करता था और शवों को कई टुकड़ों के काट डालता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आऊँगा। जब तक के दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।